नमस्कार, मैं डॉक्टर माधव समीर मकाशर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल पानीपत। आज हम बात करेंगे अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में। अपर जीआई एंडोस्कोपी होती क्या है और किन मरीजों में इसकी जरूरत होती है। सो व्हाट इज अपर जीआई एंडोस्कोपी? आम भाषा में बोला जाए तो ये एक एंडोस्कोपिक टेक्निक, यानी कि एक पतली दूरबीन होती है जिसके ऊपर कैमरा लेंस लगा होता है। इसका साइज या डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 9.5 मिलीमीटर होता है और इस दूरबीन के द्वारा हम फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, पेट और छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा यानी कि डुओडेनम, इसकी इनर लाइनिंग आसानी से देख सकते हैं। ये एंडोस्कोपी दो टाइप्स की होती है ब्रॉडली, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर रिस्क होता है। ये होती कैसे है एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी के दौरान आपको एक बेड या ट्रॉली पे लिटाया जाता है, एक लोकल एनेस्थेटिक का स्प्रे किया जाता है ताकि आपका गला सुन हो जाए, एक माउथ गार्ड लगाया जाता है, उसके बाद एक पतली दूरबीन आपके मुंह के रास्ते से खाने की नली में और पेट में डाली जाती है। ये किन मरीजों में रिक्वायर्ड होती है? कुछ कॉमन इंडिकेशंस होते हैं जिनमें अपर जीआई एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। नंबर वन, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। कुछ मरीजों में अगर खाना अटक रहा है या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीजों में एंडोस्कोपी करके हम देख सकते हैं कि खाने की नली में कोई रुकावट तो नहीं है। नंबर टू, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। कुछ मरीजों में जिनको छाती में जलन होती है, लगातार उल्टी आती है और जो जिनके सिम्टम्स दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे मरीजों में हमें एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर थ्री, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। कुछ मरीज जिनको छाती में लगातार दर्द होता है और जिनका कार्डियक एवेल्यूएशन नॉर्मल होता है, उन मरीजों में हम एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं कि कोई ईसोफेजियल पैथोलॉजी यानी कि फूड पाइप में कोई बीमारी है या नहीं। कुछ मरीजों में जिनको खून की कमी होती है, जिनको अनीमिया होता है, खून की कमी किस कारण से है ये देखने के लिए भी एंडोस्कोपी अनिवार्य है। नंबर फाइव, क्रॉनिक डायरिया। जिन मरीजों में लगातार 4 हफ्तों से ज़्यादा दस्त लगते हैं, उनमें हम एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं कि कोई छोटी आंत में बीमारी है या नहीं और ज़रूरत पड़ने पे हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी और अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है या आप इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।